गाइस होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिनलैंड में आप कितने पैसे कमा सकते हो। अगर आप फिनलैंड में हो, अगर आप सोच रहे हो तो कितनी अर्निंग आप फिनलैंड में कर सकते हो, और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ये जो फुल टाइम जॉब पर आते हैं उनको एक घंटे का कितना मिलता है और पर मंथ का कितना कमा सकते हैं। शायद आपने वीडियो देखी होगी और आप लोगों को बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होगी जिसने बताया कि आप 2 लाख कमा सकते हो, 4 लाख कमा सकते हो, 5 लाख कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो और एग्जैक्टली कितना सेव कर सकते हो और कितना टैक्स है उसके बारे में बात करेंगे। इन हैंड आपके अकाउंट में कितना बचेगा, कितना घर भेज सकते हो। तो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट कि कितना आप अर्न कर सकते हो, तो नॉर्मल जॉब्स की हम बात करें 11.5 यूरो से लेके 14-15 यूरो पर आर आपको मिलता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मिलता है, नॉट एग्जैक्टली आप सेव कर सकते हो 11.5 यूरो, 11.25 यूरो से लेके 15 यूरो जो नॉर्मल जॉब्स क्लीनिंग की या जो स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं, जो बैकग्राउंड की जॉब्स होती हैं, किचन हेल्पर हो गया, उसमें इतनी आपको मिल जाती है। डिलीवरी बॉय की जॉब्स हो गई, उसके बाद आता है टैक्स। फिनलैंड में जो टैक्स लगता है वो डिपेंड करता है उसके स्लैब में, तो कॉमनली आप मान के चलो 9% टू लेके 43% तक टैक्स लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी किस स्लैब में आती है। स्टूडेंट्स की बेसिकली 9-10% ही लगता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है 19-24% के आसपास। टैक्स की बात करें तो इससे ज़्यादा भी टैक्स लगता है, वो 15-20 से लेके 42% तक टैक्स हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी किस स्लैब में आती है। अगर आप उस स्लैब में आते हो तो आपका टैक्स उतना लगेगा, यहाँ पे आपको उतना टैक्स भी पे करना पड़ता है, बट वो आपको रियलिटी नहीं बताई जाती। आपको क्या रियलिटी बताई जाती है कि सैलरी 2-4 लाख मिलेगी, इतना इतना मिलेगा, बट आप वो फैक्ट समझो कि आपको वहाँ पे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ रही है, आफ्टर डेट आपके हाथ में कितना आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी बताते हैं कि 4 लाख सैलरी है, 5 लाख सैलरी है फिनलैंड में। अगर आप कन्वर्ट करोगे 11.25 को या 14 या 15 को भी करोगे तो मैक्सिमम से 2 से 2.5 हज़ार से ज़्यादा यूरो सैलरी नहीं बनती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप सेव कर सकते हो वहाँ पे 1000 से 1200, 1500, मतलब 1500 तो आप सेव कर ही लोगे अगर वहाँ पे क्लीनिंग की जॉब करते हो या कोई भी जॉब करते हो। इससे कम तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप सेव ना कर पाओ, इतना आप सेव कर लोगे, बट पहुँचना वहाँ पे मुश्किल है। अभी मैं आप एक चीज़ क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट को जो पार्ट टाइम अलाउड होता है आर्ट्स, वो 130 घंटे अलाउड होते हैं, उसमें वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है तो उनको भी सैलरी 11.25 यूरो से लेके, जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं फिनलैंड में उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है, 11.25 से लेके 13 यूरो तक पर आर का आपको मिल जाता है, जो कि एक इनफ है स्टूडेंट्स के लिए। अपनी फीस भी वो उससे पूरी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है वो कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और एक्सपेंसेस वहाँ पे 400-500 यूरो से ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर पर मंथ के आप एक्सपेंसेस देखोगे शेयरिंग पेज पे तो 400-500 यूरो, इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिनलैंड में जो आपको कंपनी बुलाएगी बेसिकली वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, उसकी कॉस्ट बेशक वो ले सकती है पर वीक के हिसाब से, बट आपको फूड आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। फूड वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सैलरीज अगर अच्छी हैं तो फूड भी एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन भी एक्सपेंसिव है। अकोमोडेशन आपको 15 दिन की अप्रॉक्स 200 यूरो और शेयरिंग में, और ये 250 से 300 यूरो या 350 यूरो पर मंथ की आपको शेयरिंग में पड़ सकती है, और इससे महंगी भी जाएगी अगर आप पार्टिकुलरली सिंगल रूम लेंगे, और फूड वगैरह मिला के आपका 600 से 700 यूरो मैक्सिमम में आपका हो जाता है। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि बंदे वहाँ पे गए हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि इतना वहाँ पे उनका सेव हो जाता है, इतने एक्सपेंसेस आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पर जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग लाइफ है वो इतनी ईजी नहीं है। उसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊँगा और एक इंटरव्यू टाइप का होगा, जो बंदा वहाँ पर गया है उसके साथ वो डिस्कस करूँगा वो सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। बट अभी के लिए यही थी कि कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी का सच क्या है। 4 से 5 लाख कमा सकते हो, बट इंजीनियर आईटी वाले हो गए वो लोग कमा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर एक बंदा 4 से 5 लाख कमा लेगा जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है, इतना आसान नहीं है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, माइनस में टेम्परेचर है और शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरी आवाज़ से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, सीवी और कवर लेटर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं, किसी को भी आपको 5000-6000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हैं। कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगी आप हेल्प मांग सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प मैं करूँगा, कुछ भी अगर पॉइंट रह गया हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर करूँगा।